ये देखो गाइस, ये बनाया जा रहा है अंडरपास, देख सकते हैं तस्वीरें है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये मिस्त्री वर्क कर रहे हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें है। ये कुछ ऐसा बनाया जा रहा है अंडरपास, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग। और आपको बता दें, ये पैरापिट वॉल बनाने का इस पर काम चल रहा है अभी दोनों साइड में। तो कुछ इस तरीके से ये बना दिया गया है, ये देख सकते हैं ऐसा ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसमें अभी टाइम लगेगा, कम से कम एक साल का अभी और वक्त लग जाएगा। तो ये पैरापिट वॉल बनाने का काम चल रहा है अभी। तो चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। अब चलते हैं दोस्तों आप लोगों को दिखाते हुए कि कितना कुछ काम हो चुका है इस पर, क्योंकि अभी ये पैराफिट वॉल लगाने का काम चल रहा है साइडों में। बाकी तो ये कनेक्ट हो ही चुके हैं, देख सकते हैं। और आपको बता दूं, यहाँ से ये अब ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं चल के कि ग्राउंड लेवल पर कहाँ से आएगा। ये देखो अभी ये बनाया जा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, ये जोड़े जाते हैं जो कि काफ़ी भारी भरकम होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा भारी भरकम। ये देखो आप लोग, यहाँ इस पर ऊपर चढ़ने के लिए देखो ये बनाया जा रहा है दूसरा, जो कि दो लाइन का है, ये देख सकते हैं। वो एक्सप्रेसवे की लाइन है बीच वाली, और ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाले हैं दोनों साइड में। इस पर फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए, एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए। और आगे आपको दिखाएंगे कि इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसका, एक ब्रिज बनाया जा रहा है उसका भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए केपी संत के साथ में गाइस। तो देख सकते हैं ये जोड़ने का काम चल रहा है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया जाएगा उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, बनाया जा रहा है ये। तो हम चलते हैं उस साइड में। तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये अभी वर्क चल रहा है यहाँ पर तेज़ी के साथ में, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं गाइस। ये देखो इसे बनाने का काम चल रहा है, देखो ये मिट्टी डाल दी गई है, ये पैराफिट वॉल लगा दिए गए हैं और लगाए भी जा रहे हैं। और देखिए जो ट्रक वहाँ पर था वो यहाँ तक आ चुका है अभी, ये देख सकते हैं। तो अभी यही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि दोनों साइड में बना रहे हैं, और इसको भी अभी जोड़ा जाएगा, जो इसके कर्व हैं दोनों साइड के वो जोड़े जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बस, और देखिए ये लॉन्चर लगा हुआ है जो जोड़ रहा है, और ये यहीं पर वो जो ट्रक लेकर आया है वो यहीं पर जोड़ा जाएगा। नज़ारे आप लोग देख सकते हो कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ये देख सकते हैं कि ये वाले जोड़े जाते हैं कर्व, जो ये रखे हुए राइट हैंड पे, ये राइट में ये जोड़े जाते हैं। और अभी देख सकते हैं ये लॉन्चर स्टैंड करने का काम चल रहा है, इससे इसके जर थ्रू जोड़ा जाता है। तभी चल ही रहे हैं और आपको दिखाते हैं पूरा एक्सप्रेसवे कितना लंबा चौड़ा है, क्या क्या हो रहा है अब तक हो गया है इसमें। देखो कुछ इस तरीके से ये जोड़े जा रहे हैं, जो साइड की लाइनें हैं, ये तो एक्सप्रेसवे की लाइन है बीच वाली, और ये साइड वाली है आने जाने वालों के लिए, उतरने चढ़ने वालों के लिए। ये देख सकते हैं राइट में, यहाँ के जो नज़ारे हैं गाइस वो तो हैं खूबसूरत मानेसर गुरुग्राम। तो हम चलेंगे मानेसर, आप लोगों का आज क्लियर ही कर देते हैं पूरा एक्सप्रेसवे। तभी आप लोगों को समझ में आएगा।
पूरा ही हम सीधे चलेंगे आज खिड़की दौला, और खिड़की दौला से फिर चलेंगे हम अपने घर के लिए। और सीन आप दो लोग देख सकते हो कि क्या सीन है यहाँ का, क्या एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है नीतीश गडकरी द्वारा, एनएचएआई द्वारा जो हमारे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे ऐसा बनाया जा रहा है, इतना अद्भुत इतना सुंदर गाइस के क्या ही बताएं आपको। जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब आप लोग देखना इसका व्यू कितनी सुंदरता ये बटोरता है। देख सकते हैं कि दोनों साइड में ये लेफ्ट में और राइट में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर ये बनाए जा रहे हैं फ्लाईओवर। और ये कंप्लीट सा ही हो चुका है वैसे तो, अभी फिर भी इसमें टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि ये सन 2023 में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ये दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन यहाँ चलता हुआ। पर आपको बता दूं कि इस एरिया से रिलेटेड देखो दोनों साइड में उतरने चढ़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे पे, और 12 लेन का ये एक्सप्रेसवे है गाइस, 8 लेन इस साइड में है और 4 लेन उस साइड में, 4 लेन इस साइड में, नहीं यानी कि लेफ्ट राइट में 4-4 लेन है और उसके बगल से ये दो लेन का ये छोटा सा ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, इससे ही इसी से मतलब जुड़ा हुआ है। और ये अंडरपास बनाया जा रहा है पब्लिक के लिए, आने जाने वालों के लिए, क्यों ऊपर वालों के लिए भाई साहब ऊपर से कोई कट नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको या तो अंडरपास का सारा लेना पड़ेगा या फिर जहाँ से ये शुरू होगा वहाँ या जहाँ ख़त्म होगा वहाँ आपको उतरने चढ़ने के लिए मिलेगा, उससे पहले कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। पूरा ये एक्सप्रेस वे आज आप लोगों को मैं दिखाने लाया हूँ, तो ऐसे ही ब्लॉग तो देखो केपी संत के चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आते रहेंगे और अब तो क्वालिटी के साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे बेहतरीन तरीके से गाइस। तो आप लोग देर मत करो, आप लोगों ने केपी संत के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में बनाता रहता हूँ हर जगह के, और आपको दिखाता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं दोनों साइड में किस तरीके से ये चढ़ने उतरने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए आप लोग किस तरीके से ये सेटरिंग बिठाई गई है और किस तरीके से ये जोड़े जा रहे हैं दोनों पार्ट में, क्योंकि ये बीच का तो जोड़ दिया गया है लॉन्चर द्वारा, अब ये साइड के जो हैं कर्व ये जोड़े जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये सेटरिंग लगी हुई है और इसको बिठा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में से अभी इस पर फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ है। तो देखिए ये नज़ारे नीचे, कहीं कहीं ये बायोडक्ट क्लियर कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, कहीं कहीं ये अभी बचा है बाकी। तो देख सकते हैं ये क्रेन मशीन लगी हुई है, ये जोड़े जा रहे हैं, ये देख सकते हैं नज़ारे देखो आप लोग। और जब ये बन के कम्प्लीट होगा तब आप लोग देखना कि कितना सुंदर ये एक्सप्रेसवे चमकता है गाइस। बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे बनाया गया, बहुत ही सुंदर, क्या ही बताएं आपको। और मेरी आंखें तरस रही थी इसको पूरे को देखने के लिए, आज मैं आप लोगों को
दिखाने के लिए लाया हूँ पूरा शुरू से लेकर एंड तक, इसका एंड कहाँ पर होता है। और स्टार्टिंग तो आप लोगों ने देखी है गाइस, देखिए ये साइड के वही चढ़ने चढ़ने उतरने के लिए ये जोड़े जा रहे हैं, बनाया जा रहा है, जो ये दो दो लाइन के होने वाले हैं, टू लाइन इस साइड में और टू लाइन उस साइड में, और आठ लाइन का ये एक्सप्रेसवे है, फोर लाइन इस साइड लेफ्ट में और फोर लाइन राइट में। तो यहाँ से ये देखिए ग्राउंड लेवल पर आ जाता है ये, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल पर चलेगा गाइस। और ग्राउंड लेवल पर कितना है वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है यहाँ पे, और चारों साइड में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बिल्डर आए हुए हैं। तो अभी आपको बता दूँ ग्राउंड लेवल का काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये बन के जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ग्राउंड लेवल का भी। देखो दोनों साइड में किस तरीके से ये जोड़े जा रहे हैं, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। मुझे लग रहा है ये चढ़ने उतरने के लिए बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग। देखो आप लोग किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे, हम इसके चलेंगे नीचे, नीचे जा सकते हैं नहीं तो ऊपर से ही चलना पड़ेगा गाइस, तो ऊपर से ही चलते हैं, कोई नहीं, वैसे कंस्ट्रक्शन तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आ जाता है एक फ्लाईओवर, ये देख सकते हैं ये साइड में दोनों साइड में ये लॉन्चर लगे हुए हैं, तो किस तरीके से इसको जोड़ रहे हैं वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये लॉन्चर है कुछ इस टाइप का लॉन्चर होता है, इतना लंबा चौड़ा इतना भारी भरकम,